फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल नॉलेज इन्फो। आज हम बात करने वाले इड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में। इड क्या होता है? एक अनऑर्गेनाइज्ड पार्ट होता है आपकी पर्सनालिटी स्ट्रक्चर का, जहाँ पे आपको ह्यूमन की बेसिक डिज़ायर्स को फुलफिल करने के लिए व्यक्ति कोशिश करता है। इड एक कंपोनेंट होता है आपकी पर्सनालिटी का, जो कि प्रेजेंट बर्थ से लेकर प्रेजेंट तक होता है। ये आपकी बॉडी की वांट्स, नीड्स, डिज़ायर्स, इंपल्सेस, पर्टिकुलरली सेक्सुअल और अग्रेसिव ड्राइव से, यानी कि आपके जो इच्छाओं को पूरी पूर्ता करने के लिए आगे बढ़ता है। यहाँ पे आपका प्लेजर वर्क करता है, यानी कि आप कहते हैं कि इसमें इस स्टेज में कि आपको प्लेजर मिले, प्रॉस्पेरिटी मिले और विदाउट पेन, लेकिन आप मेहनत इसके लिए काफ़ी ज़्यादा करते हैं। फिर हम बात करते हैं द सुपर ईगो की। सुपर ईगो एक मॉरल का पार्ट होता है, जहाँ पे आपकी पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा वेल डेवलप्ड हो जाती है और आप वैल्यूज़ और सोशल रूल्स और मॉरल ऑफ द सोसाइटी के बारे में सोचते हैं। साथ साथ जो है आप लोगों के पेरेंट्स से लर्न करते हैं। साथ साथ इस सुपर ईगो का एक ऐसा फंक्शन होता है जहाँ पर इड जो है कंट्रोल किया जाता है और सोशल प्रोविशंस टॉप एस सेक्स एंड एग्रेशन जैसे चीज़ों को जो है कंट्रोल में रखा जाता है। सुपर ईगो में जो है वो इड और ईगो के बाद लास्ट स्टेज होती है सुपर ईगो की, जहाँ पे व्यक्ति वेल डेवलप हो जाता है। इड में क्या होता है, मैं तुरंत करना चाहता हूँ। सुपर ईगो में ये सही समय नहीं है कुछ करने का, ये करने का। ईगो में क्या होता है, जब कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि इड, ईगो और सुपर ईगो में जो जनरल पॉपुलेशन होती है वो इड में चलती है, जो एवरेज पॉपुलेशन होती है वो ईगो में चलती है, और कम, बहुत ही कम परसेंटेज होते हैं पॉपुलेशन में होते हैं जो स्टार्स वगैरह होते हैं वो सुपर ईगो में जीते हैं। तो ये तीनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, यदि आपको मेरे वीडियो पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा।